रियासती कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस पर सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ मसलसल नाइंसाफी करती हुई आ रही है। बेंगलुरु के अडिगार कलहली में मौजूद अपनी खानकाह में हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हुए मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के मुस्लिम मुखालिफ फैसलों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन इक्तदार में आए 10 माह हुए लेकिन बीजेपी हुकूमत के एक भी फैसले को कांग्रेस हुकूमत ने वापस नहीं लिया। मिनिस्ट्री में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। कैबिनेट में सिर्फ 2 मुस्लिम नुमाइंदों को जगह दी गई है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल नहीं किया गया है। बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में भी सिर्फ चंद अहदे दिए गए हैं। अब लोकसभा इंतखाबात में टिकट की तकसीम के मामले में भी मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने नाइंसाफी की है। आबादी के लिहाज से मुसलमानों को 28 पार्लिमानी हलकों में कम 4 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट बेंगलुरु सेंट्रल दी गई है। इस तरह मुजाहिद अली बाबा ने अपनी तशवीश और फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। मुजाहिद अली बाबा ने वजीर अकलियती बहबूद और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान की तारीफ करते हुए कहा कि जमीर अहमद खान जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के गलत मशवरों की वजह से बास फैसले गलत साबित हो रहे हैं, जिससे कौम मिल्लत को नुकसान हो रहा है। मैसूर में हाफिज अकमल के कत्ल के मामले पर गुफ्तगू करते हुए मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मंडिया की मुस्कान को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, लेकिन हाफिज अकमल के खानदान वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। मौजूदा सियासी हालात और इन तमाम मसाइल के बावजूद मुजाहिद अली बाबा कहते हैं कि मुसलमान आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अहम रोल अदा करें, वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये हक भी छीन लिया जाएगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात 2024 का ऐलान हो चुका है। सदाए इत्तेहाद की क्या हिकमत अमली रहेगी इस मरतबा, क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने देखा इलेक्शन से पहले सदाए इत्तेहाद ने काफ़ी प्रोग्राम किए थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है सदाए इत्तेहाद का। वो इस वजह ये थी कि हम लोग इस वास्ते जो है पूरे जोरों शोर से 18 प्रोग्राम हमने सियासी बेदारी पर प्रोग्राम किए असेंबली इलेक्शन से पहले, ताकि वो मुसलमानों को यकजा करे। नौजवान उलमा को लेकर के हमने बहुत सारा पैगाम कौम के अंदर पहुंचाने का काम किया, इस उम्मीद पर के जो पिछली हुकूमत थी बीजेपी वालों की, उन्होंने जिस तरह मुसलमानों के ऊपर एक बाद एक जो चीज़ें हमारे ऊपर लाद करके हमारे ऊपर जो उन्होंने गाय हो, हिजाब हो, अजान हो, हलाल हराम हो, फिर 4% रिजर्वेशन उन्होंने जिस तरह से निकाला, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सदा इतिहास से प्रोग्राम किए ताकि कौम में एक तरह से बेदारी पैदा हो, ताकि सब एक तरफ हो करके कोई सी भी हुकूमतों से कुछ ले आए। मगर हुआ ये कि जब कामयाबी हो गए, ये लोग आ भी गए, अब उसके अंदर जितने मुसलमानों को इन्होंने सीट दिए थे उसमें चाहते तो सबको ले आते, लेकिन लाए किसी को नहीं। बराए नाम 2 इजाफा हुआ इससे पहले के इलेक्शन के बाद, 7 की जगह 9 हुए, बस 2 की इजाफा हुआ। और हम देख रहे थे कि ये क्या करेंगे, इन्होंने ना हिजाब, ना हलाल हराम, ना हलाल कट और ना अजान, ना 4% रिजर्वेशन, जो जो इन्होंने वादा किया था इसमें कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अब क्या कहें हम इनके बारे में। अब इनकी तायद के अंदर कुछ दूसरे भी तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो कौम का वोट इन लोगों को दिलाते हैं, उनसे भी आप सवाल करना चाहिए। अब नाम अगर लें तो जो क्या मुत्तहद महाज है, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं वो लोग, और मिल्ली कौंसिल है मिल्लत के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम तो इत्तेहाद वाले हैं, सिर्फ इत्तेहाद के लिए जाते हैं और कौम के लिए बेहतर से बेहतर अल्फाज देने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है।
अभी देखो दो हमारे यहाँ दो ही लोगों को इन्होंने मिनिस्ट्री अदा की, और मिनिस्ट्री कौन सी है, एक औकाफ की और एक हाउसिंग की, और एक हज और एक जो है अपना जो म्यूनसिपालिटी के जो वो होते हैं उसके बारे में। स्पीकर भी बनाया गया है स्पीकर साहब को, यूटी खादर साहब को स्पीकर इसलिए बनाया गया कि ताकि वो अच्छा काम करने वाला आदमी है, सबको साथ में लेकर के, अगर वो अगर का, उनका काम करने का तरीका अलग है, पिछली मरतबा भी जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे जिस तरह उन्होंने काम किया उसे देख करके सब घबरा गए, खुद गैर मुस्लिम लोगों ने कह दिया था कि ऐसे को जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनना चाहिए, ये बहुत सारे आवाजें उठ चुकी थी, इस वजह से इस दफा उनको ये सब बातें नजर में रख करके लेके जाकर के चुपचाप बिठा दिए कि भाई आप स्पीकर बन के बैठ जाओ, हाँ ना कि आप किसी के लिए काम करो, ना आप किसी के लिए वो तायद करो, ना आप दूसरे बातों के ऊपर, खैर वो चुपचाप बिठा दिए। यूटी खादर साहब को जो तुमने लिया, यूटी खादर का यही मामला है, जाओ चेयर पर बैठो और घर चले जाओ, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। और जो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थे, आज तक कांग्रेस पार्टी में होम मिनिस्टर किसी को नहीं दिया गया आज तक। सबसे पहले ना इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बने, ना होम मिनिस्टर बने, ना वाइस पर क्या अपना डिप्टी सीएम बना, ना जो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बना, ऐसा कोई बड़ी मिनिस्ट्री आज तक मुसलमानों को दिया नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूं मैं। खैर अब मुसलमानों के उलमा का बहुत बड़ा रोल रहा पिछली बार, उन्होंने ये कहा किसी की परवाह किए बगैर, नहीं हम एक होकर के हम भी कांग्रेस की तायद करेंगे। ठीक है, तायद तो कर लिए, कामयाब भी हो गए, लेकिन ये उलमा का भी तो फर्ज बनता था कि फौरन से फौरन जो जो चीज बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाली थी उसे वापस फौरन ले आते, पहली मीटिंग में ले आते असेंबली की, लेकिन किसी के मुंह में जुबान नहीं है। कौन से उलमा हमारे लिए रहबर है ये बताओ पहले, ये तो आवाम के लिए तो तायद कर देता कि भाई फलां को दो फलां को दो फलां को दो, लेकिन जब बात हो जाती है, हुकूमत बन जाती है, इनके मुंह में आवाज नहीं निकलती। और सबसे अजीब बात यह है कि हमारे उलमा इनकी चौखटों पे जाते हैं, जबकि उनका फर्ज बनता था हमारे चौखटों पे आए। कोई मटका स्वामी देखा है कभी क्या असेंबली में जाके ऐसा बैठा हाथ बन के कि साहब ये करो साहब वो करो, लेकिन शर्म नहीं आती हमारे लोगों को, क्या करें हम। बहरहाल लोकसभा इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और टिकटों की तकसीम भी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया गया है, इस पर भी नाराजगी जाहिर हो रही है। बिल्कुल होना भी चाहिए, जहां जहां मुसलमान उम्मीदवार कामयाब होता था वहां वहां पर कांग्रेस ही के दौर में जो है उसे रिजर्व किया गया, जहां से मुसलमान बा आसानी से जीत सकता था वो तो रिजर्व हो गए, बा मुश्किल फिर भी जद्दोजहद जीतने की जगह भी इन्होंने डिबेट कर दिया, उसी का फॉलो बीजेपी की है। अब इसके अंदर ये टीम बीजेपी को हो या ये टीम कांग्रेस का हो, लेकिन मुसलमानों का क्या, मुसलमानों को ये चाहिए था अगर 28 पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर है, ये उन्होंने दिया है चलो ठीक है, अगर इन्होंने चार देते, चार की कोशिश करते, तमाम जात वालों को साथ में लेकर चार मुसलमानों को जिताते, क्या फर्क पड़ता था। और सारे वोट हमारे जो है इनके 27 पार्लियामेंट के जो भी हलके हैं उनके अंदर मुसलमानों के वोट इनको भरपूर चाहिए और मुसलमानों के लिए उनके वोट नहीं मिलेंगे, यही इंसाफ ये कांग्रेस पार्टी का भी है। बीजेपी वालों ने मुसलमान मुक्त पार्लियामेंट चाहते, मुसलमान मुक्त असेंबली चाहते, और कांग्रेस वालों ने क्या किया, एक दो देकर के मुसलमानों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि तमाम वोट मुसलमानों का ये लेते हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हमारे कुछ मशायख हैं, बहुत सारे सैयदजादे हैं, मशायख हैं बेचारे, उनको खानखाई निजाम शायद उनके दिमाग से निकल गया है, वो क्या है, पीर फकीरों के पास ऐसे लोगों को आना चाहिए, ना कि ये उनकी खुशामत करें। अब ना तो पीरी फकीरी में वो बात रही, ना उलमा जो मदरसे चला रहे उनमें वो बात रही, अब शरीयत शरीयत की बात करते, शरीयत के ऊपर जो कुरान में कहा गया उसके ऊपर कौन कितना अमल करा पहले ये तो बताओ, फिर शरीयत की बात करें। मुसलमानों के लिए चारों तरफ से चित है, ये कौम मजबूर करके छोड़ दिए, ना हमारे लिए सियासतदानों से कोई ताइत है, ना हमारे लिए उलमा से कोई ऐसी रहनुमाई है। इतने बड़े मामला चलाओ, मैसूर में चला, फलां चला, कहीं चला, हम लोग तो गए एक हाफिज के नाम से, हाफिज कुरान के नाम से हम लोग गए कि भाई ऐसा ना हो, फिर गए उसके बाद मसला देखा हमने, वो तो सियासी मसला भी उलझ जाया, ना जाने कौन कौन सी बातें, लेकिन सारे उलमा को चाहिए था कि एक हाफिज कुरान, जबकि जुमे की शाम में ईशा के बाद मर्डर हुआ, इतवार तक कोई पूछने वाला नहीं था,
क्या हो गया ऐसे उलमा को? लेकिन जमीयत उलमा के सदर ने इस सिलसिले में आवाज उठाई। हाँ बिल्कुल, अकमल साहब के कत्ल के मामले में एक हफ्ते बाद उन्होंने आवाज उठाई ना सदा इत्यादि वालों के चर्चे बहुत हो गए। तुम्हारे ही चैनल पे 35,000 लोगों ने देखा ना, जाने किसने क्या कहा होगा कि भाई क्यों आवाज नहीं कर रहे, होगा होगा। लेकिन उनका फर्स्ट अब पहले उठाते, जिस तरह एक लड़की इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाया उन्होंने हिजाब पिटने पे, 5 लाख रुपया इनाम दे दिया जा करके। अब यहाँ हाफिज कुरान का कत्ल हुआ तो ये क्यों नहीं गए? अरे बात तो सोचने की है ना। अब ये उलमा की ऐसी देन थी, पहले ही मुसलमानों के लिए हिकमत से खेल रहे थे कांग्रेस वालों ने। अब उनके बीच में एक ताई एक सियासी जमात में चाहिए थी पहले से, एक हमारे दुश्मन के नाम से मशहूर बीजेपी और एक ये जो हिकमत से खेलने वाली कांग्रेस, दो के बीच में हमारी एक जरूरत थी। उन्होंने भी ये उलमा पिछले असेंबली इलेक्शन में हमसे दूर करके दो दुश्मन बना दिए उन्होंने। अब ये दो दुश्मन बन गए, जनता दल एसा और बीजेपी। अब यहां रह गए कांग्रेस, जाएंगे मुसलमान कहां? भाई वही बात हो गई, कटो कुर्बानी के बकरे बन के कटो, ये कहो कि भाई या तो वो या तो ये। अब ये किसकी सोच है, किसकी देन है, कौन इसका जिम्मेदार है? यानी कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हम देखते हैं कि हैदराबाद कर्नाटक में कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं लेकिन वहां से एक भी नुमाइंदगी नहीं दी गई है पार्लियामेंट इलेक्शन। भाई मुसलमानों को वोट बैंक अगर एक समझते तो कुछ इज्जत होती थी। उनकी नजर में मुसलमानों कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि उनको ये मुसलमान कौम को वार गलाने वाले मेहराबी मिंबर पर मौजूद है, जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। वोट बैंक के अगर उनके पास लिहाज होता तो डर पैदा होता था भाई ये जो वोट बैंक है ना जाने टर्न हो जाए। तो ये वोट बैंक की हमारी कोई औकात नहीं है उनके पास, वो हमारी कमजोरियां जानते हैं। हमारे में कोई ना पीर फकीर में मौजूद है ना उलमा में मौजूद है। रही तुम्हारी वो बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर, देखो असेंबली में 224 इन्होंने चुन चुन के देते, 224 जीता के ला सकते हैं ये? पार्लियामेंट में 28 है, 28 में 4 देते जीता के ला सकते थे, लेकिन देंगे नहीं। तो हमारा पेट जलता है, ये कौम तबाह हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ खड़े हो जाए, हक बोलने के लिए इनके पास जरूरत नहीं, कौम को मैदान में लेकर के खड़े हो जाते। या ईवीएम का गलत इतना बड़ा चल रहा ना, इनकी जरूरत है ना जेल आंदोलन की हिम्मत इनमें है ना, जो हमारे जो अजहर साहब जो हुबली वाले उनको रश किया उसके बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं रही। अब वो देखो वह बेचारा जज्बाती है जो जमीर अहमद खान जो है, वो एक जज्बाती इंसान है, उसे घेरे हुए हैं मलबारी लोग, वो अपना जो मलबारी लोग घेर लिए हैं पहले से, वो इसी बाबा पास बाबा ये अम्मा बाबा सब घेर लिए। अब वो चोर जितना उसने बदनाम किया, वो पहले हमारे से आया, उसके बाद आरशो के पास गया, उसके बाद में जो है हिकमतन जो है पहली बार औकाफ में घुसिया, उसके बाद घुल मिला के जैसे यूसुफ मरने के बाद चेयरमैन बना, हिकमत से हिस्सा ऐसा वैसा करके चेयरमैन बनने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी आई, तो फौरन जो है जमीर अहमद खान को चाहिए था कि फौरन मुतवली इलेक्शन करवाते, उसके बाद में जिसको चेयरमैन बनाना बनाते। जो आज का ये बैठा हुआ है इसके भी इतने सारे रिपोर्ट है, क्या बताएं हम, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं औकाफ के अंदर। और वही आदमी अब जमीर अहमद खान के इर्द गिर्द है, बताओ क्या उसे दूरअंदेशी नहीं है, क्या जादू का डर है? तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि एक एमएलए बनता है, एक मिनिस्टर बनता है, उसे क्या चाहिए, उसे कैसा करना, कैसे लोगों को साथ में लेना। बरसों बरसों जो कांग्रेस पार्टी में वफादारी की है, अच्छे लोग हैं, उनको साथ में लेकर जमीर अहमद खान चलते अच्छा था। अभी वो बेचारा कोई अभी चल जो चेयरमैन बना था केएमडी से कहता, उसके ऊपर एक इल्जाम आ गया तो वो बेचारा फंसा पड़ा है, तो उसके बारे में तरह तरह की बातें, और वो हज कमेटी के बारे में इतने सारे लफड़े हो रहे। उर्दू अकेडमी में अब उर्दू चेयरमैन को मुंतखब किया गया जिनका उर्दू अदब से ताल्लुक नहीं, वो भी हमने देखने को मिला। ये कोसी क्या भेड़ंगी है, क्या ये लोगों में, मैं समझता हूँ कि दूरअंदेशी है नहीं, ऐसे उनको मिनिस्ट्री मिल गई। अगर इनको मिनिस्ट्री मिली है तो अच्छे साहब जो साहेब इल्म और साहेब नजर वालों को साथ में रखकर फैसला करते। अब हमको यह करना है, कौम को साथ में लेते, ये उठे बैठे 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 जो फैसले कर रहे हैं ये किसके लिए फायदेमंद है? इससे तो ज्यादा बेइज्जती उस मिनिस्टर की होगी और किसी की नहीं होगी, पता चल जाता कि इसमें कितना जर्फ है। अभी मैसूर का मामला तुम बता रहे थे, तनवीर सेठ वहीं का है, एक आवाज नहीं निकाल सका। उसी इराक इलाके रिजवान अर्शद यहाँ पे बेंगलोर के अंदर दूसरी ट्रंप से आया, वो अपने शहर के बारे में एक आलिम के बारे में बोल नहीं सका। तो कौन से मुसलमानों को कोशिश आप और रखते हो भाई? इन मसाइल का हल क्या है?
मेरा यही कहना है कि मैं सदाए त्यासब इसके बाद इंशाल्लाह फैसला करेंगे और सही फैसला करेंगे। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कौम से कि भाई तुम पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ नजर रखो, समझे ना, ईवीएम के खिलाफ उन्होंने काम कर रहे हैं। आप सब एक जगह जमा होकर ईवीएम के खिलाफ काम करो, तुम्हारे लिए कुछ फायदा होगा, बात देखेंगे। पार्टियां तो हमारे लिए कोई है नहीं। और मैं ये जज्बाती लीडर जो मिनिस्टर बना उससे भी मैं कहना चाहता हूँ, जरा जज्बात में आए बगैर, दूसरों की बात में आए बगैर संजीदगी से काम ले। जमीर अहमद खान के लिए पैगाम दे रहा हूँ, जो जिस तरह से वो उठल बैठक करे ना, इससे बचिए। जरा अच्छे लोगों को साथ में ले, दूर अंदेशी से काम करे, बड़े बड़े सियासतदानों को, पुराने सियासतदानों का तजुर्बा ले, और बड़े बड़े उलमा आलिम दीन जो हिंदुस्तान में उनको साथ में ले, फिर शहर के जो समझदार लोग हैं उनको साथ में रखे, कुछ आईएएस है, आईपीएस है, केएस है, ऐसे जो रिटायर्ड हुए ऐसे ऑफिसरों को रख के फैसला करें कि ये काम हमें करना है तो कैसे करें, राय मशवरा करके आगे बढ़े। ये ना कि दिल में जिसे आया वो अपना करता जाए तो इसी का आगे जो है बर्बादी है। पहले भी दो मरतबा मिनिस्टर कभी 5 साल पूरे नहीं हुए, शायद पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। ये इलेक्शन से पहले सदा इत्तेहाद ने कई इजलास किए सियासी बेदारी के सिलसिले में, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले क्यों खामोश है सदा इत्तेहाद? इसी वजह से हमने देखा ना, जो जो वादे इन्होंने किए थे कि तमाम जितने भी मुसलमानों के जो मसाइल जो बीजेपी गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया था उसे वापस लेके आएंगे। और सबसे पहले मुद्दा था हमारा 4% का, ये तो जेडीएस देवेंद्र वोरा जी ने लाए थे ना, ये तो कांग्रेस ने नहीं दिया, इसलिए वापस नहीं लाए। और वोटों के लिए इन्होंने कह दिया कि भाई हम लेके आएंगे 4%, उसके ऊपर और 2% बढ़ा के देते कांग्रेस का, अगर इतना ही दिल था मुसलमानों पे। और वो खामोखा जो है माइनॉरिटी के लिए 3,000 करोड़, 5,000, भाई 10,000 करोड़ भी दे तो क्या मुसलमानों के लिए आ रहा है क्या? इसमें कितने जात मौजूद है, बुद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, उसके बाद मुसलमान है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है, क्या फायदा है ऐसा हुआ है? अरे ये और बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में भी नुमाइंदगी दी गई है, कई जगह जो है टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुसलमान बनाए गए हैं, तो शुरुआत तो हुई है। तो क्या कहें, 5 साल अभी बाकी हैं, अभी 4 साल बाकी हैं। अच्छा, और भी काम हो सकते हैं, क्योंकि ये नई नई पार्टी पैदा हुई ना, ये आम आदमी पार्टी के सिर्फ पैदा हुई कांग्रेस पार्टी, इसलिए इन्होंने शुरुआत की है। क्या इनको तमीज नहीं है? 60 साल से जो इन्होंने रोल किया, 60 साल से इन्होंने क्या किया, क्या ये एहसान जता रहे? आज कर्नाटक में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मुसलमानों की है। सबसे ज्यादा वोट किसके है? मुसलमानों के है। क्या इन्होंने दिया? क्या 24 एमएलए जीता के लाए या 10 मिनिस्ट्री इन्होंने दी? ये कौन सी बात होगी? कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वाला फला चेयर कौन से होते हैं? झांडे झूलने के? ये तो उनके लोगों को देते हैं जिनके तादाद कम है। आखिर में क्या पैगाम है? नहीं, अभी फैसला करेंगे। अभी ये होने के बाद जो है, जो हमारे जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो दलित समाज से, वो भानु प्रताप है, और बुद्धिज्म से वो है, और महमूद पराचा जो है मुसलमानों की तरफ से हैं, ये सब मिलकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जितने बहुत सारे वकील ईवीएम के खिलाफ काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे फौरन जो ईद के बाद, उसके बाद फैसला करेंगे हम क्या करना है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट के रुजू करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। अब तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, होने दो, जो है वक्त के मुताबिक हो रहा है, वो तो होने दो, अलग बहस है, ईवीएम की तो अलग बहस है, लेकिन फिलहाल क्या होना चाहिए इलेक्शंस के पेशे नजर, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अभी कुछ भी कहो बेकार है ना, इससे पहले जितना करके देखा सब बेकार ही तो है। वही बात होगी, मोदी साहब ने बोले थे 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, वही बात हो गई, वही चॉकलेट वाली बात हो गई। ये भी इनकी भी, इन्होंने जितने वायदे किए थे 9 महीने पहले वो पूरे उल्टे पड़े, और हमारे कोई उलमा की ताकत नहीं कि उनको दबा के पूछे बुलाए अपने पास, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर अपने पास बुलाने की जरूरत इनके पास है नहीं, तो यही कमजोरी हमारी उनको कामयाबी दे रही है। अब यह भी मैं समझता हूँ बड़ा नाम एक मुसलमान को दे दिया, भाई चलो इसमें खुश हो जाओ, सताईस हमारे एक तुम्हारा। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुसलमान किस तरह रोल अदा करें? बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, अपना हक जो है जरूर दे। अब 30 दिन रोजे रहने के बाद जब जो हमारी ईद उल फितर जब अदा होती है, बहुत लोग जो है तफरी के लिए निकल जाते हैं, कोई ज्यारतों की नियत से कहीं और
फिर घूमने की नीयत से चले जाते हैं। उनको चाहिए जब वोट का वक्त आता है उस वक्त रह करके अपना वोट जरूर दे, जिसे भी दें सोच समझ के दें, लेकिन वोट जरूर करें, कहीं ऐसा ना हो कि वोट में गिनती में कमी आ जाए। बस यह मैं कौम से गुजारिश करता हूं। तो इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद बेदारी मुहिम इंशाल्लाह खुद बे बताया ना, मैं एक तो जरूर करेंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश किए जाएंगे। और बिल्कुल पैगाम कैसे काम होगा, वोटिंग फीसद बढ़ना चाहिए, एक अहम बात है। नहीं, वोटिंग तो कह दिया ना, वोटिंग तो वोट तो करना ही है, अगर हम वोट ना करेंगे तो जानबूझ करके वोटिंग लिस्ट हमारा नाम काट देते हैं लोग, इसलिए वोट करना जरूरी है। और खासतौर पर शहरी इलाकों में जैसे बेंगलोर में हम देख रहे हैं कि यहाँ वोटिंग फीसद बहुत कम होता है, क्यों लोग गफलत बरतते हैं? क्योंकि उनका दिल औचट हो गया ना इन लोगों की बातों से, इन लोगों की हरकतों से। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जमहूरी हक इस्तेमाल करना तो चाहिए। इसीलिए मैं तो कौम से यह गुजारिश करता हूँ, अपना हक जरूर दे, जिसको भी दे, किसी को भी दे, वोट जरूर कर। क्योंकि अगर वोटिंग लिस्ट अगर हम ना दें एक मरतबा तो दूसरे टाइम हमारा वोटिंग लिस्ट नाम काट देंगे लोग, इतनी मकारी चल रही। इसलिए वोट देना जरूरी है, कहीं भी जाए बगैर, कहीं भी जब वक्त आए वोट का जरूर वोट देकर के बाहर जाए। यह सबसे पहले मैं कौम से गुजारिश करता हूँ।